सो गाइज गुड मॉर्निंग. अभी तो एक बज चुका है, गुड मॉर्निंग तो है ही नहीं. सो आज है, डेट बताता हूँ मैं, आज मुझे खुद नहीं मालूम, 10 दिसंबर. एंड अभी मैं उठा था, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके मैं किसी फ्रेंड के घर पर आया था, तो आप देख सकते हैं. तो फिलहाल अब मैं यहाँ से जल महल के लिए निकल रहा हूँ. तो जल महल के लिए मुझे अराउंड 13-14 किलोमीटर्स फार अवे, तो चलते हैं. तो दोस्तों अभी मैं जल महल के लिए निकल गया हूँ और यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है जो मुझे कवर करना है. और जब भी आप जयपुर ही रोड पे गाड़ी चलाएं लोकल में, तो इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे ब्रेकर्स बहुत हैं, बहुत ब्रेकर्स हैं और रोड पैचेस में जुड़ी है, तो इस वजह से ज़रा ध्यान रखें स्पीड पर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं यहाँ. क्योंकि हमारी जब हम बाइक्स लाते हैं, या चाहे सुपर बाइक्स हो या फिर नॉर्मल, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें. दूसरा बंदा बेइज्जती हंसेगा ही, तो इससे बेटर है कि आप अपनी कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखें. सवा बज गया है, 1:15 हो गए हैं और पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, भी पता चलेगा भी क्या ले जाना है अंदर, क्या नहीं ले जाना है, ये प्रॉब्लम सबसे. ये फोटो में ज़्यादातर इसी के बारे में बता. पार्किंग नहीं है यहाँ, ये तो फ्री, नो पार्किंग. वो पेड पार्किंग है, फ्री पार्किंग है, कोई दिक्कत नहीं, पार्किंग नहीं. पेड वाली चाहिए मुझे, पेड पार्किंग. अब ये गाड़ी का दिक्कत है ना, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे. तो अभी मैं यहाँ जल महल में अभी आया हूँ जस्ट, और यहाँ पे मुझे पार्किंग अवेलेबल अभी हुई नहीं है. अभी बता रहे हैं कि मुझे सामने अपने बाइक के सामने खड़ा होना पड़ा. और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बंद हो चुका है. यहाँ से वहाँ तक यहाँ से जाने के लिए वहाँ पे एक बोट का इस्तेमाल करा जाता था, तो अब बोट ये चीज़ें बंद कर दी हैं. उसका रीज़न आप गूगल पर पढ़ सकते हैं. तो फिलहाल वहाँ के लिए तो सब बंद है और आप बस देख सकते हैं ऐसे व्यू है, ये प्रॉपर पूरा पीछे तक जा रहा है. तो आपने देखा अभी यहाँ पे भी व्यू जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन सनलाइट बहुत तेज़ है यहाँ पे. गर्मी भी ज़्यादा होती है दोपहर में, लेकिन शाम को ठंड अच्छी होने हो जाती है, बहुत ठंड बढ़िया हो जाती है. तो दोस्तों अब मैं निकल गया हूँ यहाँ नाहरगढ़ के लिए. अराउंड राउंड अबाउट समझ लो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है जल महल से.
और उसके बाद जिस हिसाब से पब्लिक जा रही है आ रही है तो उससे ही पता चल रहा है कि भाई जगह में कुछ है दम। ओह माय गॉड, इतनी सी जगह में से निकलना पड़ता है। स्कूटर मोटरसाइकिल 10 रुपये। वाह, इंडियन 100 रुपये। सनसेट पॉइंट है यहाँ पे, फॉरेन का 200, इंडिया का 100 रुपये। रूड नॉट अलाउड। घाटी गेट, ये थोड़े से मैं इधर लोग बताऊँ। तो दोस्तों अभी नाहरगढ़ फोर्ट में मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ दिख रहा है। जयपुर वैक्स म्यूज़ियम है, शीश महल है।